मौत के चौकट से या दरवाजे से पलटकर आज आपके सामने बैठा हूं। और अगर सवाल ये किया जाता है कि इतनी सारी जिम्मेदारियां दवाखानों की, कॉलेजेस की, दारुसलाम की, दारुसलाम बैंक की, मेरे स्कूल्स की, फिर उसके बाद असेंबली की, फिर अजला की, तो यही कहूंगा कि इतना बड़ा जो मुसलमानों का कर्ज मेरे ऊपर है और वो कर्ज है तो आपकी दुआओं का, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं, तो इस कर्ज को अदा करने का जो तड़प है और जो फिक्र है, शायद यही हिम्मत देती है इन सारे कामों को करने के लिए। तो आपके दुआओं का बोझ इतना ज्यादा है कि वक्त निकल ही जाता है आपकी खिदमत, आपके काम करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपकी दुआएं इसी तरीके से साथ रहेंगी, आपका ताउन इसी तरीके से साथ रहेगा, आपकी रहनुमाई इसी तरीके से साथ रहेगी और नौजवानों का साथ इसी तरीके से रहेगा और हम और आप सब मिलकर और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, एक नई तारीख बनाएंगे और मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के कामयाबियों के जिंदगी के हर शोबे में एक नए झंडों को गाड़ेंगे और नया इनकलाब कारकर्दगी का, कामयाबी का, तालीम का हम पैदा करेंगे और दुनिया को हमारे काम के जरिए रश करवाएंगे और मजबूर करेंगे हमारे काम को, हमारे खिदमात को तस्लीम और कबूल करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रॉपरेटर हाफिज मदरुल्ला बेग, अदर बेग, अलबरकत होम अप्लायंसेस फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड दिगलू नाका नांदेड़। नानेवड़ न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।